बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर ऑल राइट। और हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इंक्लूडिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का डिफरेंस देखा था, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था अबाउट द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अब हमने देखना है जी अबाउट लॉ ऑफ मास सेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, हर साल इस तरह से है कि अगर फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड टाइम आया हुआ है, सेकंड टाइम नहीं तो फर्स्ट टाइम आया हुआ है। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मास सेक्शन। इवन जब मैंने पेपर दिए थे आई थिंक इन 2015, तब भी यही वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया था, आई स्टिल रिमेंबर। ओके, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन की हम स्टेटमेंट देखेंगे और हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? गुलबर्ग एंड वेज इन 1869। अच्छा, ये साइंटिस्ट के नेम और ये डेट अक्सर एमसीक्यू में आ जाती होती है, बच्चे अक्सर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं जी किसने दिया और कब दिया, लेकिन आप लोगों ने इसको इग्नोर नहीं करना बिकॉज ये एमसीक्यू में आ जाता होता है। 1869 में गुलबर्ग एंड वेज ने दिया था ये लॉ। अब देख लेते हैं जी ये लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है जी इसकी। इसी तरह से हेडिंग्स बने हैं अपनी बुक पे, इंट्रोडक्शन की और सेकेंड हेडिंग आपकी आ जाएगी स्टेटमेंट की। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहते हैं जी ये लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिएक्टिव मास। अच्छा, एक सब्सटेंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी वो कितने टाइम में रिएक्शन कितना प्रोसीड हो रहा है, वो डिपेंड करता है एक्टिव मैसेज के। किस चीज़ के एक्टिव मैसेज? एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेज, यानी रिएक्टेंट्स। ठीक, इसका मतलब ये है कि जितने रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये लॉ हमें ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कितने हैं। ठीक, तो रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में हमारे होते हैं जी जो चीज़ें रिएक्ट कर रही होती हैं, और रिवर्स रिएक्शन के केस में हमारे प्रोडक्ट्स हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जितने रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो हमारा रिवर्स रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो रिएक्शन फास्ट है या स्लो है या रेट ऑफ रिएक्शन, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के एक्टिव मैसेज कितने हैं। ठीक है, एक्टिव मैसेज इन अदर वर्ड्स द अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, इसी डेफिनेशन का दूसरा पार्ट, अच्छा स्टेटमेंट की एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लॉ की स्टेटमेंट होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई आप अपनी वर्डिंग लिख सकते हैं, आपको इसको एज इट इज़ याद करना होता है। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है स्टेटमेंट का, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उनके मैसेज का, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस का, उनकी अमाउंट्स का हमने प्रोडक्ट ले लेना है। अभी हम मजीद एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपका जो रिएक्शन का रेट है, यानी आपका रिएक्शन कितना फास्ट है कितना स्लो है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना रेट ज़्यादा होगा, यानी आपका रिएक्शन उतना फास्ट होगा। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, इसी तरह से प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिवर्स रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं एक्टिव मास की? मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर डीएम क्यूब। डीएम क्यूब याद रखिएगा एक लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक डीएम क्यूब में कितने मोल्स हैं हमारे रिएक्टेंट्स के या हमारे प्रोडक्ट्स के, या हम कहेंगे हमारे रिएक्शन मिक्सचर के, तो वो हमारे एक्टिव मैसेज होंगे जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट होती है, एक स्मॉल ब्रैकेट होती है, कर्ल ब्रैकेट होती है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हमने रिप्रेजेंट करना है अपने एक्टिव मैसेज को। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से हेडिंग्स बनाते जाइएगा अपनी बुक पे। डेरिवेशन में हम किस एग्जांपल को डिस्कस करने जा रहे हैं? एक रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है जी हमारे पास, जिसमें हमारे पास ए और बी सपोज्ड रिएक्टेंट्स हैं
और सी और डी हमारे सपोज्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ए और बी रिएक्ट करेंगे, सी और डी बनाएंगे। के एफ और के आर जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, के एफ, और के आर जो है ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है, ठीक है। इस जो रिएक्शन है इसमें ए बी सी और डी आपके रिएक्शन मिक्सचर बनाएंगे, ये सारी चीज़ें मिलके। इस रिएक्शन मिक्सचर में जो एक्टिव मैसेज, इस तरह से अभी हमने कहा कि हम उनको स्केयर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो नीचे उन्होंने जो है वो आपको बताया हुआ है कि सपोज ए बी सी और डी जो स्केयर ब्रैकेट्स आपको शो की हुई हैं, क्या शो किया हुआ है उनके एक्टिव मैसेज यानी उनकी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डी एम क्यूब के हिसाब से, यानी एक डी एम क्यूब में ए कितना है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इन स्केयर ब्रैकेट्स। इसी तरह से एक डी एम क्यूब में या एक लीटर में बी कितने मोल्स हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्केयर ब्रैकेट इन बी, ठीक है जी। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया जिसमें हमने कहा कि हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद स्केयर ब्रैकेट्स। तो अब जहाँ पर भी ए बी सी या डी लिखेंगे हम अपनी डेरिवेशन में, उसको हम स्केयर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अच्छा जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ए और बी के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट पे। अगर आप एक बार फिर रिव्यू करें अभी जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उसे, तो हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज, यानी एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो एक्टिव मैसेज जो हैं हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्या हैं, ए और बी, उन ए और बी के एक्टिव मैसेज लिए यानी हमने उनको स्केयर ब्रैकेट्स में ले लिया, और उनका प्रोडक्ट ले लिया यानी ए और बी को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। हमें पता है जी जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो हम इक्वलिटी का साइन लगाते हैं और साथ हमें कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट ऐड किया वो के एफ ऐड किया है, के एफ इंटू ए इंटू बी, ठीक है। के एफ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर हम रिवर्स रिएक्शन की भी बात करें तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस सी और डी होंगे, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे जाएगा, ए प्लस बी गोज टू सी एंड डी, और रिवर्स कैसे जाएगा, सी प्लस डी गोज टू ए एंड बी, ठीक। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें जो हमारी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं वो ए और बी हैं, और जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें जो हमारी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं वो सी और डी हैं, ठीक। तो हमारा जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर में, हमारे पर डी एम क्यूब में, हमारे पर लीटर में सी और डी के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, यानी सी और डी की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, सी और डी की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। जितनी ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगी उतना रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फास्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है ना, अगर एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ेगी, यानी अगर हमारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की अमाउंट बढ़ी है तो उस लिहाज से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अगेन प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया तो इक्वल में चेंज किया, और इक्वल के साथ हमने लिख लिया के आर, के आर इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, ठीक है जी। नीचे उन्होंने बताया भी हुआ है जी, के एफ और के आर जो है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपको डेरिवेशन क्लियर होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जिस तरह से पहले भी बताया कि पास्ट पेपर्स में रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और बड़ा ईजी भी है, बहुत ईजी है, ठीक। लॉ ऑफ मास एक्शन हमने सिंपली कहा कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फॉरवर्ड और रिवर्स होगा, रिवर्स के केस में वो सी और डी पर डिपेंड करेगा, और फॉरवर्ड के केस में ए और बी पर डिपेंड करेगा। ए बी के साथ के एफ आ गया और सी डी के साथ के आर आ गया, उनकी प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स। आगे अगर हम बात करें तो हमें पता है जी इक्विलिब्रियम स्टेट भी तो अचीव होती है ना, रेट ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन हमने पढ़ लिया, रेट ऑफ रिवर्स पढ़ लिया, फॉरवर्ड इस तरह से इंक्रीज होगा, रिवर्स इस तरह से इंक्रीज होगा, लेकिन हमने कहा था कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट पे हमारा के एफ ए इंटू बी इक्वल हो जाएगा के आर सी इंटू डी के, ठीक।
अगर हम इसको रीअरेंज करें तो के एफ ओवर के आर इज इक्वल्स टू सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है जी कि के सी किसके इक्वल है, के एफ ओवर के आर के। अब आप कहेंगे जी के सी कोई नई चीज़ आ गई है, तो के सी असल में हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है जी। के सी इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के एफ ओवर के आर अगर के सी के इक्वल है तो इसको हम के सी के इक्वल लिख सकते हैं, यानी के सी इज इक्वल्स टू सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी, ठीक है। यानी आपके पास अगर मैं यहाँ पर आपको शो करवाऊँ, यहाँ पर आपके पास के एफ ओवर के आर है, हमें पता है जी के एफ ओवर के आर किसके इक्वल है, के सी के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जी के सी इज इक्वल्स टू सेम लाइक दिस, यानी सी इंटू बी ओवर ए इंटू बी। तो यही किया है हमने, बिल्कुल यही किया है हमने, के सी को इक्वल लिख दिया है सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, के सी हमारे पास आ गया, के सी इज इक्वल्स टू सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी, यानी ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से हमें पता चलेगी कि जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे हमारे के सी की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज अगर हमारे पास नॉमिनेटर बड़ा हो तो हमारे पास आंसर भी बड़ा आता है, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो तो आंसर छोटा आता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सी और डी यानी हमारे प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा होंगे तो हमारे पास के सी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। खैर, वो हमने आगे इंटरप्रिटेशन पढ़नी है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है इंपॉर्टेंस ऑफ के सी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, केसी बड़ा होगा केसी छोटा होगा, ये सारी चीज़ें ये हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की जो फाइनल हमारे पास आ गई एक इक्वेशन, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास केसी जो है वो सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी के इक्वल है, यानी प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट्स के एक्टिव मैसेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेस का प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली किस पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट्स की एक्टिव मैसेज पे। रिएक्टेंट्स जितने ज़्यादा होंगे उनके एक्टिव मैसेज जितने ज़्यादा होंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है, दो चार स्टेप है डेरिवेशन के। एंड सेकेंडली जी, सुनने पे सुहागा के इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और अगर आपको ये वाली आज वाली डेरिवेशन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की या इसको लर्न नहीं किया, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक भी समझ नहीं आने वाला, इसलिए इसको याद करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।